ये है दिल्ली दर्पण। रात को 9:30-9:30-11 बजे के आसपास पता लगा था। 11 बजे के आसपास। किस चीज़ की फैक्ट्री है? गत्ते की फैक्ट्री है। गत्ते की फैक्ट्री है। कोई रीज़न पता चला आग लगने का? नहीं, अभी कुछ नहीं। ये भैया 11 बजे के आसपास आग लगी थी और उसके बाद से कंटिन्यू फायर ब्रिगेड काम कर रही है। सुबह तब हम करीब करीब 3 बजे हम आए थे तो कम से कम यहाँ 20 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू चल रही है सर। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? ये सर गत्ते की फैक्ट्री है, डब्बे वगैरह बनते हैं, मिठाइयों के डब्बे या फॉइल पेपर वगैरह के डब्बे, इस चीज़ के डब्बे बनते हैं। ये 11:40 के टाइम पे बता रहे हैं आग लगी थी। हमारी गाड़ी जब आई है तो ग्राउंड फ्लोर पे आग थी। ग्राउंड फ्लोर पे जीन्स बनाने का काम होता है, गारमेंट स्टिचिंग का काम है इसमें, तो उन्होंने बुझा दी ग्राउंड फ्लोर की आग। लेकिन पीछे से टीन सेट में आग भड़की, क्या हुआ, पीछे का टीन सेट कोलेप्स हो गया फर्स्ट फ्लोर वाला, जिससे जो आग है इस मोल्डिंग पोजीशन में आ गई और जब से हम आग पे लगे हुए हैं अप्रोच नहीं हो पा रही है। टीन सेट गिर गया, उसके अंदर आग है, आग को घेर लिया गया, कंटेन कर लिया गया है और बुझाने का काम जारी है, फैलने से रोक दिया गया है। कितनी गाड़ियाँ टोटल यहाँ पर पहुँची हैं? 26 से 27 अभी तक जो हमारी सूचना, 27 गाड़ियाँ इस पर हैं और काम जारी है। कोई कैजुअल्टी इंजर्ड तो नहीं है यहाँ पर अभी तक? तो हमें कोई सूचना मिली नहीं है और बाकी अभी आग बुझा रहे हैं, अभी ऑपरेशन पूरा हुआ नहीं है, आग को रोका गया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं अभी फायर फाइटिंग हो रही है। कुछ बताया गया रीज़न क्या रहा सर फायर का? नहीं, अभी तो देखिए हमारा काम पहले आग बुझाना है, बाद में इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस, पहले आग बुझा लेंगे। आपके सामने अभी देखिए टीन सेट पे आग जा रही है लेकिन पानी क्लियर पहुंच नहीं रहा है। जब तक टीन सेट हटाएंगे नहीं, जब तक क्लियर पानी पहुंचेगा नहीं, जब तक आग बुझेगी नहीं, लगे हुए हैं बुझाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर